अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं होंडा सीबी 150F और सुजुकी जीएसएक्स 125 का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुजुकी जीएसएक्स अभी लेटेस्ट ही पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है और इस बाइक की जो प्राइस रखी गई है वो सुन के काफ़ी लोग जो हैं हैरान हो गए थे। उसकी जो प्राइस है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, उसके साथ साथ जो होंडा सीबी 150F की लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो भी आपको बताऊंगा। अब इन दोनों का बेसिक कंपैरिजन प्राइस की वजह से बनता है। बहुत से लोग अगर होंडा सीबी 150F को परचेज करना चाहते हैं तो वो कहेंगे व्हाई नॉट वी परचेज सुजुकी जीएसएक्स 125, और जो लोग जीएसएक्स को परचेज करना चाहेंगे वो सोचेंगे क्यों ना हम होंडा की तरफ शिफ्ट करें। तो इसी वजह से आज हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेंगे इन दोनों बाइक्स के दरमियान, दोनों में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। अब डिज़ाइन में सबसे पहले आप सुजुकी जीएसएक्स 125 का डिज़ाइन देखें। सुजुकी GSX 125 का डिज़ाइन नो डाउट बहुत प्यारा बनाया गया है। ये बाइक एक कंप्लीट स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आता है। इसकी आप फ्रंट से शेप देखें, बैक से शेप देखें, इसके टैंक का जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है, उसके साथ साथ इसकी सीट काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। इसी तरह आप अगर हेडलाइट को देखें इस बाइक की, तो हेडलाइट वाली साइड से थोड़ा सा ये डल लगता है, लेकिन वैसे ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छा है देखने में। इसके बाद अगर हम बात करें सीबी 150F की, तो होंडा सीबी 150F की लुक अपनी जगह बहुत अच्छी है। इसकी लुक अब लोग देख के थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो मैं बेसिकली लुक में नंबर देना चाहूँगा सुजुकी GSX 125 को, क्योंकि दोनों का लुक वाइज टक्कर का मुकाबला है। एक की लुक अपनी जगह अच्छी है, दूसरे की लुक अपनी जगह अच्छी है, लेकिन अगर हम बात कर लें कलर स्कीम की, तो मैं डेफिनेटली सुजुकी GSX 125 की तरफ जाऊँगा। सुजुकी GSX 125 का जो कलर स्कीम है, जो इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सिंपल और बहुत प्यारा है। इसके साथ हम आते हैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में सुजुकी GSX 125 जो है, इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, सब चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। अगर हम इसके हैंडल बार को देखें तो आप देख सकते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार है इस बाइक के अंदर, जो कि अभी तक किसी भी 125cc के अंदर आपको नहीं मिलता। असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर आपको बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलता है, इसके अंदर कील स्विच मिसिंग है। लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर, लेफ्ट राइट हॉर्न, इसके अंदर सब कुछ है एक्सेप्ट कील स्विच। इसके बाद होंडा सीबी 150F की बात करते हैं, तो होंडा सीबी 150F का जो मीटर का डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है अपनी जगह, और इसके अंदर भी आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे, RPM से लेकर इसके फ्यूल गेज तक सब कुछ अवेलेबल है इस बाइक के अंदर भी। असेंबलीज की बात करें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है, इसमें भी किल स्विच मिसिंग है, और लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न, सब कुछ अवेलेबल है। दोनों के फीचर्स सेम है, जो चीज़ आपको GSX में मिसिंग मिल रही है वही इस बाइक के अंदर आपको मिसिंग मिल रही है। लेकिन अगर खूबसूरती की बात करें मीटर की, तो मीटर जो है वो होंडा सीबी 150F का ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम आ जाते हैं टैंक की तरफ। तो सुजुकी GSX 125 का जो टैंक है ये 14.2 लीटर्स का टैंक है, और इसकी अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज एक्सपेक्टेड यही है कि ये 45 प्लस इजीली एवरेज देगा। इस बात को आप इस तरह ले लें कि अगर आपको यामाहा वाइबियर 40 तक एवरेज मिनिमम देता है, तो ये बाइक आपको मिनिमम 45 तक एवरेज देगा अकॉर्डिंग टू सुजुकी। अब ये बात कितनी सच साबित होती है ये तो पता लगेगा जब इस बाइक के ऑनर रिव्यूज़ आएंगे। इसके बाद अगर हम इस बाइक की सीट की बात कर लें, तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सॉफ्ट सीट है, दोनों के लिए, पिलियन के लिए भी, राइडर के लिए भी, और इसकी सीट जो है वो खुल भी जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें होंडा सीबी 150F की, तो होंडा सीबी 150F का जो टैंक है ये 13 लीटर का टैंक है, 13 लीटर की टंकी है इसकी, और इसकी अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो मिनिमम 40 तक आपको इसके अंदर इजीली एवरेज मिल जाती है अगर आप निकालने वाले बने तो। उसके अलावा मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने 55 तक क्लेम किया है, और 30 से 35 तक भी लोगों को इस बाइक की एवरेज मिली है। अब वो डिपेंड करता है कि बाइक की कंडीशन कैसी है, बाइक को चलाने वाला कैसा है। इसके अलावा सीट की बात करें तो इस बाइक की सीट भी बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट है। अब टैंक वाइज तो जाहिर सी बात है नंबर जाएंगे सुजुकी GSX को, क्योंकि उसका टैंक ज़्यादा बड़ा है और खूबसूरत भी ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं इंजन की, तो सुजुकी GSX का जो इंजन है ये 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अब ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है तो वाइब्रेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाएंगी। इसके बाद अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए, तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है ये 57.0 mm है, इस बाइक का स्ट्रोक है 48.8 mm। इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दिया है इस बाइक के अंदर। और अगर हम इस बाइक की पावर की बात करें तो 10.5 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है 9000 RPM के ऊपर।
और इसकी अगर टॉर्क की बात की जाए तो 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क है 7000 आरपीएम के ऊपर। अगर इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो बाइक के अंदर आपको स्पेशल कार्बोरेटर मिल रहा है और इस पूरे इंजन को सुजुकी ने नाम दिया है SAP, सुजुकी इको परफॉर्मेंस इंजन। इसी वजह से सुजुकी क्लेम कर रहा है कि कम अज़ कम भी ये बाइक आपको एवरेज 45 तक देगा अगर आपको YBR 40 तक एवरेज देता है तो। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक की ट्रांसमिशन की तो 5 गियर ट्रांसमिशन इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर वही रिटर्न शिफ्ट है, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। और इसके बाद अगर हम बाइक की पावर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बाइक की हॉर्स पावर बताई है, हॉर्स पावर के हिसाब से ये बाइक YBR के टक्कर वाला है, लेकिन होंडा सिटी 150F की टक्कर का नहीं है। अगर हम बाइक की टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जितनी इस बाइक की बताई गई है उस हिसाब से इसकी पिकअप कुछ खास नहीं होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं होंडा सिटी 150F की। तो होंडा सिटी 150F का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है। बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है, वाइब्रेशंस कम से कम हो जाती हैं इस बाइक के अंदर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो 149.2 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसका जो बोर है वो है 57.3 mm, बाइक का स्ट्रोक है 57.8 mm। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है 9.1:1। इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रांसमिशन में 5 गियर मिल जाएंगे और पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक की पावर की तो पावर वाइज तो बाइक बहुत अच्छा है, पिकअप बाइक की आउटक्लास है। और स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है तो स्पीड वाइज थोड़ा सा ये कमज़ोर है, थोड़ी सी देर लगाता है अपनी टॉप स्पीड पे पहुँचने में। वैसे टॉप स्पीड इस बाइक की 110 प्लस है। सो गाइस ये तो सारी बातें हो गई टेक्निकल, जिसमें सारी फिगर्स थी। अब हम आते हैं बेसिक चीज़ों की तरफ जो लोग जानना चाहते हैं, जो कि है सबसे पहली बात तो है कम्फर्ट लेवल। तो कम्फर्ट लेवल वाइज दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम हो गए अगर सुजुकी GSX के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है। अगर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है बैलेंसर शाफ्ट तो बाइक से आप एक्सपेक्ट करें कि कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। बाकी बाइक के अंदर शॉक्स बहुत अच्छे हैं, बाइक के अंदर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं और बैक पे स्विंग आर्म शॉक्स हैं जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल हैं। उसके साथ साथ बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है, और यही सारी बातें अप्लाई होती हैं होंडा सिटी 150F के अंदर। तो दोनों का टक्कर का मुकाबला है कम्फर्ट में, लेकिन अगर इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं मिलता तो फिर होंडा सिटी 150F की आपको ज़्यादा बेहतर कम्फर्ट मिल जाएगी, क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट के साथ वाइब्रेशंस ज़्यादा कंट्रोल हो जाती हैं। अगर दोनों में बैलेंसर शाफ्ट है तो दोनों को मैं 10/10 नंबर देना चाहूँगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों बाइक्स की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत आउट क्लास है। आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि दोनों में पेंट और बिल्ड क्वालिटी का सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें टायर्स एंड ब्रेक्स की, तो टायर्स जो आपको होंडा सिटी 150F के अंदर मिल रहे हैं, इसका फ्रंट टायर है 80x100 का, बैक टायर है 90x90 का। दोनों के अंदर आपको जो रिम है वो 18 इंच के मिल रहे हैं। इसके बाद अगर GSX की बात करें तो GSX का फ्रंट टायर है 2.75 का और बैक टायर है 90x90 का, और इसके अंदर भी 18 इंच के रिम है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग वाइज दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्योंकि फ्रंट पे डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है दोनों बाइक्स के अंदर, बैक पे ड्रम ब्रेक है। और डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक होने की वजह से बाइक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ब्रेकिंग के अंदर। अब अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की, तो सुजुकी GSX 125 के अंदर आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का शुरू शुरू में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि अभी भी यह बाइक लॉन्च हुआ है और इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो फ़ौरन अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि सुजुकी एक ब्रांडेड कंपनी है तो कोशिश करेगी जितना जल्दी हो सके पार्ट्स अरेंज करें। दूसरी तरफ अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा सिटी 150F के जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। जहाँ तक बात है पार्ट्स की कॉस्ट की, तो दोनों बाइक्स के पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो इसका मतलब यही है कि दोनों बाइक्स के जो पार्ट्स हैं वो महंगे होंगे। अब अगर हम बात करें रोड अट्रैक्शन की, तो रोड अट्रैक्शन मेरे ख्याल में GSX की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बाइक अभी भी लॉन्च हुआ है और लुक वाइज भी प्यारा है, तो ज़्यादा आई कैचिंग आपको ये बाइक लगेगा बनिस्बत होंडा के। इसके बाद हम लास्ट में कर लेते हैं प्राइस की बात। तो होंडा सिटी 150F की जो अभी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 353,900 रुपये, 353,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है, और सुजुकी GSX 125 की प्राइस है 359,000 रुपीज़। अब आपकी प्राइस में तकरीबन कोई 6,000 रुपये का ऑलमोस्ट डिफरेंस है सुजुकी की और होंडा की प्राइस के अंदर। अब दोनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज करना चाहिए? अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं दोनों में से चूज़ करूँगा होंडा सिटी 150F को। अब मुझे एक तो सस्ता मिल रहा है ये बाइक, उसके साथ साथ जो चीज़ें GSX के अंदर हैं वही चीज़ें होंडा सिटी 150F के अंदर भी हैं, तो फिर कोई ख़ास रीज़न है नहीं
कि मैं स्पेशल GSX को परचेज करूँ, लेकिन मुझे एक न्यू टेस्ट अगर चाहिए तो उसके लिए फिर मैं डेफिनेटली जा सकता हूँ GSX के अंदर। अगर आपके पास होंडा सिविक 150 है और आप उसको सेल करके इसको लेने का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। मेरे ख्याल में आपका जो होंडा सिविक 150 F है वही आपके लिए बेस्ट है। आप बनिस्बत आप उसको पहले सेल करें, फिर आप इस बाइक को परचेज करें और आपको फिर उस तरह का शायद मज़ा भी ना आए। सो गाइस, ये था आज का बेसिकली कंपैरिजन, और आज का कंपैरिजन उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।